नमस्कार। आज आपको ये एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10 और ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, पर इसको बहुत इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला वाला प्रॉब्लम है, इसमें आपको ये जो 1/x लिखा हुआ है, इसे आप u सपोज कर लीजिए और 1/y को भी सपोज कर लेते हैं। ऐसा करने से ये लेफ्ट ले दिया आपने और इस तरह से ये हो जाएगा 1/2u + 1/3v इक्वल टू, और ये सेकंड इक्वेशन जो है 1/3u और ये 1/2v इक्वल 13/6 हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें अपॉन का नंबर है, ये इसको भी चेंज करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इसमें हम पहले 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ भी 3, 2 और 6 का एलसीएम भी 6 आएगा, इसलिए इसमें भी आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6/2u, यहाँ पर 6/3v और यहाँ 6 × 2, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 3 2 जा, और ऐसे ही आप यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6/3u, 6/2v और यहाँ पर 6 × 13/6, ये 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल। इस तरह से आपका ये जो इक्वेशन है ये इस तरह हो गया, 3u + 2v = 12 और ये हो गया 2u + 3v = 13। इसे आप इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 आप दे सकते हैं। यहाँ देखें, आप देखिए, अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, हम इसको एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब विलोपन विधि हिंदी में कहते हैं। अब इसमें जब आप इस मेथड से करेंगे तो जैसे आप यू को या वी को किसी को भी कैंसिल करना है, तो आप पहले जैसे मान लेते हैं वी को कैंसिल कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9u + 6v और यहाँ 3 × 12 = 36। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 2 = 4u, 2 3 = 6v और 2 का 13 × करेंगे तो 26। अब इसके बाद ये इक्वल तो हो गया है, पर अपोजिट साइन नहीं है, डिफरेंट साइन होना चाहिए, इसलिए हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग मीन्स माइनस करना है, घटाने पर हिंदी में कहते हैं आप सब्ट्रैक्टिंग। तो इस तरह से माइनस 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 इस तरह से आएगा, तो 9u - 4u, तो ये 5u हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 36 - 26 = 10, तो u = 10/5 मीन्स 2 आ जाएगा आंसर, 5 × 10, ये हो गया u की वैल्यू 2। पुट u = 1। अब हम यहाँ जब पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3, u की वैल्यू आप रख रहे हैं 2 + 2v = 12, यहाँ पर रख रहे हैं 2v और इक्वल क्या आ जाएगा 12, ये हो गया 6 + 2v = 12, तो 2v = 12 - 6, तो यहाँ पर 6, तो v = 6/2, तो वी इक्वल आ जाएगा आपका 3। अब ये आपका प्रॉब्लम हो रहा है अब वी की वैल्यू, परंतु हमने यहाँ पर सपोज कर लिया था कि 1/x = u and 1/y = v, तो 1/x = u की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है 2 और 1/y और वी की वैल्यू प्राप्त हुई है 3। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x = 1 and x = 1/2,
इस तरह से, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इंटू वाई से और 1 1 जा 1 ऐसे, तो y इक्वल 1 अपॉन 3। ये इस तरह से x की वैल्यू 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू 1 अपॉन 3 प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद आपको ये पैटर्न से आपने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखते हैं, यहाँ पर अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी का है 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड वाला प्रॉब्लम है। इसमें एक अपान में एक नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो जैसे मान लो यहाँ पर 4 अपान x और 3 अपान x है, तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो यहां पर जैसे आपको इसको एलिमिनेट करना है, या इसमें प्लस माइनस है तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यदि आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा बराबर करने के बाद, और इसको एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज है, बस केवल इक्वल बस करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वैल्यू के लिए यदि आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो 4 का इंटू ऊपर करेंगे और 3 का इंटू नीचे, तो 4 का इंटू यहाँ करेंगे और यहाँ पर 3 का इंटू, तो 4 का इंटू करने से हो जाएगा 16 अपान x, 4 3 12 y, और 4 × 14 56, जबकि 3 का इंटू इसमें करेंगे तो 9 अपान x माइनस 12 y इक्वल 3 × 23, तो यहाँ हो जाएगा 69। अब प्लस माइनस में और इक्वल में है, तो इसको आप डायरेक्ट बोलेंगे एडिंग, मीन से प्लस करने पर जोड़ने पर हिंदी में कहते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, 16 प्लस 9 यहाँ 25, एलसीएम एक्स रहेगा कॉमन है, और यहाँ भी प्लस करेंगे तो 9 और 6 15, 1 5 1 6 और 6 12, ये हो जाता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x का इंटू एक्स है और 25 यहाँ पर, ये तो x इक्वल हो जाएगा 25 अपॉन 125, और ये 5 का मीन्स 1 अपॉन 5x की वैल्यू आ गई, ये प्राप्त हो जाती है। पुट x इक्वल 1 अपॉन 5 इन 1, तो 4 अपान और x की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 अपॉन 5, ये प्लस 3y इक्वल 14, तो ये रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, और 4 × 5 20 प्लस 3y इक्वल 14, तो 3y इक्वल 14 माइनस 20, तो 3y इक्वल, ये 20 का ट्रांसफर होगा तो माइनस 20, और ये जाएगा माइनस 6। इस तरह से y इक्वल हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 3, ये -2 आ गया। तो अब आपका आंसर सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है, x इक्वल 1 अपॉन 5 और y इक्वल -2, ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपका। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, और वो प्रॉब्लम आएगा फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम फर्स्ट का फिफ्थ है, 7x-2y/xy=5, और दूसरा है आपका 8x+7y/xy=15। देखिए आपका मेन प्रॉब्लम रहता है कि एलिमिनेशन से सॉल्व होना चाहिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सॉल्व होना चाहिए। पर पहले इसके पहले सिंपलीफाई करते हैं,
तो ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये सर जाएगा तो 5xy, और ये भी सर जाएगा तो 15xy। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 7x माइनस 2y और 5xy, और यहाँ पर लिखेंगे आप 8x प्लस 7y इक्वल 15xy, इस तरह से लिख दिया जाएगा। पहले एक डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो इस तरह पैटर्न में जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड मीन्स विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले इक्वल करना पड़ेगा, प्लस माइनस में है तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई नीचे, इस तरह से। अब ऐसा करने से 7 7 जा 49x, 7 2 जा 14y, 7 5 जा 35xy। जबकि 2 का इंटू से करेंगे तो 16x 14y और ये 30xy, इस तरह से। और अब क्योंकि प्लस माइनस में है ही पहले से, इसलिए इसको ऐड ही माना जाता है, एडिशन में आएगा ये। और ये -14y +14y कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व होगा तो यहाँ 65x होगा, जबकि यहाँ पर भी ये 65xy हो रहा है। x x कैंसिल हो गया और इस तरह से आपका y इक्वल 65/65 मीन्स 1, तो y इक्वल 1 आ गया। नाउ पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखिए 7x माइनस 2 और y की वैल्यू 1 पुट कर दिया आपने, 5x और यहाँ भी y की वैल्यू 1, तो 7x माइनस 2 और ये 5x, तो 7x माइनस 5x, 5x ऐसा ट्रांसफर कर दिया और माइनस 2 इससे जाए तो प्लस 2, तो 2x से इक्वल 2, तो x इक्वल 2/2, 2 बन जाए 2, ये आ गया। इस तरह से आपका इसका भी सॉल्यूशन हो जाता है, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1, इस तरह से ये सॉल्व हो गया, इजी मेथड से हो गया। इसमें आपको ना 1/x लेना पड़ा, ना 1/y इक्वल u भी कुछ नहीं सपोज करना पड़ा। थैंक यू।